हेलो फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 3 बॉटनी का, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। चलिए लेक्चर चालू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो सेल के अंदर होती है। सबसे पहले अपन समझेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता क्या है, काम में मदद करती है, मतलब इसकी बेसिकली फंक्शन क्या है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर रोटेट करता है। जैसे सपोज ये एक सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, ऐसे रोटेट करता है सेल के अंदर, ऐसे रोटेट करता है, क्या करता है, ऐसे घूमता है। अगर ये साइटोप्लाज्म रोटेट कर रहा है, ये अपने आप रोटेट नहीं करता, ये अपने आप नहीं करता, अपन इसको जबरदस्ती रोटेट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे, क्या इसकी जरूरत पड़ी कि अपन साइटोप्लाज्म को ऐसे रोटेट करवा रहे। तो अगर अपन करवा रहे तो इसका मतलब अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक एक्टिव प्रोसेस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रहा है। ये होता काहे की मदद से है, ये होता है एक्टिन फिलामेंट की मदद से या साइटोस्केलेटन फिलामेंट की मदद से। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स और साइटोस्केलेटन फिलामेंट, इसको साइटोस्केलेटन फिलामेंट भी बोलते हैं। इसका रोल क्या रहता है, जो सपोज ऐसा अपन एक सेल बना के अच्छे से समझ लेते हैं, सपोज ऐसा एक सेल है, इसके बाद में इसके अंदर क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ऐसा एक सेल है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका क्या रहता है फंक्शन। एक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस और दूसरा रहता है जो ऑर्गेनेल रहते हैं वो मूव कर सकते हैं इसकी मदद से। जैसे सपोज एक क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी पोजीशन है क्लोरोप्लास्ट की, कब है, आफ्टरनून में, कब है, आफ्टरनून के समय क्लोरोप्लास्ट ऐसा है, उसके बाद में इवनिंग में कैसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये आफ्टरनून में ऐसा है और इवनिंग में ये ऐसा हो गया। तो ये इसकी जो पोजीशन बदली, तो क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेल इसकी पोजीशन जो बदली, ये कैसे बदली, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से हुई। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है, कब है, इवनिंग के टाइम पे। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आफ्टरनून में सन डायरेक्टली अबव होता है, आपने बहुत ही ज्यादा लाइट देता है, तो ज्यादा लाइट ना आए, ज्यादा लाइट एंटर ना हो, इसलिए क्या कर रहा है, सरफेस एरिया कम कर रहा है। इवनिंग में कम लाइट आती है, कम लाइट आती है तो ये क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ जाए। तो ऐसा ये जो मदद हुई, जो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन बदली, ये काय की वजह से हुई, जो ही क्लोरोसाइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो काय में हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल लिखे, इट कैन अकर इन सेल ऑफ हाइड्रिला, हाइड्रिला में भी हो सकती है, क्या सकती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है। तो अपन ने क्या समझा कि क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म रहता है सेल के अंदर उसको मूव करता है, वो मूव खुद से नहीं करता, अपन उसको मूव करवा रहे हैं, तो अपने को एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। ये काय की मदद से होती है, एक्टिन फिलामेंट या साइटोस्केलेटन फिलामेंट की वजह से होती है। इसका काम क्या होता है, ये होता है सब्सटेंस जो रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, जैसे सपोज कोई एक चीज यहाँ पे सब्सटेंस दूसरे और अपने को उसको घुमा के यहाँ पे ले जाना, ये कैसे होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से होगा। तो ये क्या करता है, सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। उसके बाद में ऑर्गेनेल इससे मूव कर सकते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, उसने अपनी क्या बदली, पोजीशन बदल ली, कैसे हुआ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रहता है ये क्या रहता है, सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, सेल के अंदर अंदर हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपन देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। आगे क्या देख रहे हैं अपन, प्लांट वाटर रिलेशन।
हाँ ये प्लांट वाटर रिलेशन है। सपोज होता क्या है, जैसे सपोज एक प्लांट सेल रहता है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो अपने को पता है क्या रहता है, वो उस प्लांट का मेजोरिटी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, वो मीडियम की तरह एक्ट करता है, और जो वाटर रहता है वो क्या मेंटेन करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, सेल का शेप मेंटेन करके रखता है। तो वाटर का तो प्लांट को काम रहता है, कैसे काम रहता है कि सेल की शेप मेंटेन हो रही है प्लांट की, और वाटर के थ्रू कई सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो वाटर है वो प्रोटोप्लाज्म में मीडियम की तरह एक्ट करता है, ऐसे काम करता है। सबसे पहला काम क्या है, जैसे बोल ये एक सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये क्या है प्लांट सेल है, यहां पे क्या रहता है, जो वाटर रहता है मेंटेन करके रखता है क्या चीज, टर्जिडिटी। जैसे वो कुछ प्लांट रहते हैं, ये हर्बेशियस प्लांट है, प्लांट के अलग टाइप होते हैं ना, हर श्रब्स, ये क्या हर्बेशियस प्लांट है। तो ऐसे छोटे से प्लांट होते हैं, इनमें क्या करता है, शेप मेंटेन करके रखता है प्लांट की मदद से, कि वो वाटर की मदद से क्या होती है, प्लांट में शेप मेंटेन हो जाती है। कैसे शेप मेंटेन होती है, ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल, ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल की वजह से क्या होती है, शेप मेंटेन हो जाती है। तीसरा, वाटर क्या करता है, मीडियम की तरह एक्ट करता है, वाटर एक्ट एज मीडियम, मीडियम की तरह एक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, ये सैप बनाता है। ये कैसे स्पेलिंग थी मीडियम की, वाटर क्या करता है, मीडियम की तरह एक्ट करता है, मीडियम की तरह एक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, जैसे जाइलम सैप, जाइलम सैप, फ्लोएम सैप, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल। प्लांट जो वाटर लूज करता है वो कैसे करता है, ट्रांसपीरेशन से। प्लांट अगर ट्रांसपीरेशन से वाटर लूज करता है तो जो सबसे ऊपर वाले सेल रहते हैं प्लांट में, उनमें क्या हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, उनमें इवेपोरेट हो गया, तो वो क्या बनाता है, एक सक्शन बनाता है, तो वो अपने जो बाजू वाला उसके नीचे वाला जो रहता है उससे क्या रहता है, पानी खींचता है। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, एक सक्शन पुल बनाता है, जिसकी वजह से वो वाटर ऊपर तक जाता है। प्लांट क्या करता है, वाटर लूज करता है ट्रांसपीरेशन की मदद से, जिससे कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे वाटर की। अब आगे बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो देखें वाटर पोटेंशियल होता क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन देती है वाटर के मूवमेंट को। जैसे वाटर अपने को पता है क्या होता है, हाई पोटेंशियल से कहां जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे सपोज ये मैंने बीकर बनाया, सपोज यहां पे कोई चीज की हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं अपन, वाटर की मान लेते हैं, और यहां पे क्या लो कॉन्सेंट्रेशन है। एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक तरफ क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो नेट मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। बाकी ये लोग तो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। सपोज ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनमें भी रैंडम मोशन होगी, ये राइट, ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये तिरछा जा रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। तो वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कैसा क्यों होता है रैंडम मोशन, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइन होती है, गैस और लिक्विड फेज में होती है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, इनका ऐसा रैंडम मोशन होता है, कोई भी कहीं भी चला जाता है, लेकिन ये मूवमेंट जो होती है ये फास्ट रहती है और कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है मतलब ये कभी रुकती नहीं है, हमेशा इनमें क्या होता है, रैंडम मोशन होता रहता है। वाटर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, वाटर पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की। ये क्या होता है, इसी वजह से पानी क्या जाता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाता है। और नेट क्या रहती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये तो लिखा ही हुआ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, वाटर जाता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर जाता है। अपन देख लेते हैं यूनिट क्या होती है वाटर पोटेंशियल की, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल,
वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वाटर पोटेंशियल की यूनिट होती है पास्कल। पास्कल में अपन क्या नापते हैं इसकी, ये वाटर पोटेंशियल नापते हैं, और पास्कल क्या रहता है, ये प्रेशर में रहता है, मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसका सिंबल क्या लिखते हैं, सिंबल इसका ऐसा त्रिशूल टाइप का रहता है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, साई। क्या बोलते हैं, साई। साइज का प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो रहता है ये अपन कहां पे नापते हैं, नॉर्मली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नापते हैं, जो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली कहां पे नापते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापते हैं। जो साई डब्ल्यू वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और डायरेक्शन क्या होगी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की। तो क्या रहता है, जैसे टेम्परेचर रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका क्या रहेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा। रैंडम मोशन अगर इनका बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वही क्या होती है, वाटर पोटेंशियल बढ़ाती है। जैसे सपोज एग्जाम्पल लें, एक बीकर वन है, ये क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा क्या है 25 पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर पोटेंशियल होगा वन का वो ज्यादा होगा, क्या ऐसे टू से ज्यादा होगा। अगर इसका टू से ज्यादा होगा, इन दोनों का अपन आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, वाटर यहां से यहां जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको समराइज कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन रहता है ये हमेशा, क्या होता है, रैंडम मोशन, ये फास्ट रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, पास्कल, प्रेशर में नापते हैं अपन इसको। सिंबल क्या रहता है, साई, ऐसा त्रिशूल टाइप का जिसको बोलते हैं साई। अगर कोई भी चीज डिक्रीज कर रही है रैंडम मोशन वाटर का, तो डिक्रीज करेगी वाटर पोटेंशियल अल्टीमेटली। तो क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो वाटर, जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर पोटेंशियल की है। कोई भी चीज अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। अगर पानी को ठंडा करेंगे, बर्फ जमाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाटर पोटेंशियल कम होगा। अगर अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल कम होगी, वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल के बाद अब देख लेते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल को। सॉल्यूट पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या होता है, जैसे साई डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, तो वैसे अगर अपने को साई एस लिखेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सॉल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हैं। ये क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। अच्छा, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है उसकी अपन मैक्सिमम वैल्यू क्या लेते हैं, वो हाइपोथेटिकली रहती है, मैक्सिमम वैल्यू साई एस की क्या होती है, जीरो। वो कब होती है, जब सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होता। अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट, देन सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस विल बी नेगेटिव। हाइपोथेटिकली अपन क्या मानते हैं, अगर सॉल्यूट नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल की होती है, तब क्या होती है, जीरो होती है। ये देख लेते हैं, जैसे सपोज ये एक बीकर है, इसमें क्या है, अपना प्योर वाटर है, क्या है, अपना प्योर वाटर अपन ने इसमें डाल के रखा है। लेकिन जैसे इसमें प्योर वाटर तो अपन ने डाल के रखा है, अगर अपन इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, जैसे सपोज अपन ने क्या कर दिया, पानी में शक्कर मिला दी, तो वाटर मॉलिक्यूल तो थे ही पहले, अब कुछ शक्कर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे,
शक्कर के मॉलिक्यूल आएंगे तो इनका रैंडम मोशन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का डिक्रीज कर रहे हैं, ये शक्कर के मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो वाटर कंसेंट्रेशन घट जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, वाटर कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, क्या होगी वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, सॉल्यूट डिक्रीज करेगा रैंडम मोशन, सॉल्यूट डिक्रीजेस रैंडम मोशन, क्या का रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का क्या कम कर देगा, रैंडम मोशन कम कर देगा, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है। अपन मैंने पहले बताया था अपन जो प्योर वाटर है इसमें अपन हाइपोथेटिकली क्या मानते हैं, अगर इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है तो सॉल्यूट की मैक्सिमम वैल्यू है जो क्या है जीरो, प्योर वाटर का जो साई डब्ल्यू है उसको अपन क्या मानते हैं जीरो, प्योर वाटर का अपन साई डब्ल्यू क्या मानते हैं जीरो, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना नेगेटिव में वाटर पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सॉल्यूट सॉल्यूट पोटेंशियल से रिलेटेड कैसे है, मतलब सॉल्यूट ऐड करने पे वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जा रही है, अब अपन ये देखेंगे। तो अब अपन क्या देखेंगे, हाउ सॉल्यूट इज रिलेटेड टू सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल से ये रिलेटेड कैसे है, ठीक है। हेडिंग दिख रही है ना, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट पोटेंशियल से रिलेटेड कैसे, तो ये तो अपन ने देख लिया, मोर सॉल्यूट इक्वल लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर सॉल्यूट इक्वल लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या लिखते हैं अपन, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी लिखते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो known as osmotic potential, क्या लिखते हैं इसको, osmotic potential भी लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं, अच्छा जो एक और बात important ये है, solute और solute potential एक चीज नहीं होती, इन दोनों को एक ही चीज consider मत कर लेना, solute potential सॉल्यूट पोटेंशियल वो होता है जो सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी में आई हुई कमी है, ये सबसे अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कि सॉल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल में आने वाली कमी को बोलते हैं, या काइनेटिक एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल में आने वाली कमी को बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी और वाटर में आई हुई कमी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये बीकर है, इसमें क्या है, अपन ने कुछ सॉल्यूट डाल दिया है, अपन ने क्या करा, मोर सॉल्यूट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, क्या कर रहा, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन अपन ने इसमें बढ़ा दी, सपोज अगर इसमें ये जो पहला वाला बीकर है इसमें अगर सॉल्यूट का अपन माने कंसेंट्रेशन, सपोज इसमें माने माइनस दस है, अपन ज्यादा सॉल्यूट मान डाल दिया तो क्या होगा, और कम हो जाएगा, नेगेटिव में बढ़ना मतलब क्या होता है, कम होना, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वही अभी क्या रहेगा, वाटर पोटेंशियल रहेगा, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस फोर्टी हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस फोर्टी। अच्छा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहता है
वो किसके किसके प्रोपोर्शनल रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, सभी पोटेंशियल के, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूट अमाउंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के, और सॉल्यूट अमाउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के, क्योंकि जितना ज्यादा अपन ने सॉल्यूट बढ़ाया उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल भी तो कम हो गया, तो सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या रहते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। अब अपन थोड़ा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ये है बीकर ए और ये है बीकर बी, एक बीकर ए है एक बीकर बी है, जहां पे क्या है 2 मोलर एनएसीएल सोल्यूशन, यहां पे है 3 मोलर एनएसीएल सोल्यूशन। इन दोनों बीकर में क्या है सोल्यूशन अपन ने डाला है एनएसीएल का, एक में 2 मोलर एक में 3 मोलर है। अगर इसमें 2 मोलर है और इसमें 3 मोलर है, इसमें कम मोल है मतलब सोल्यूट कम है, सोल्यूट कम है तो जो सोल्यूट रहता है उस वो काय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट पोटेंशियल एज वेल एज वाटर पोटेंशियल के। यहां सोल्यूट कम है तो यहां क्या होगा हाई वाटर पोटेंशियल, और यहां हो जाएगा लो, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, ए से बी में जाएगा वाटर, लो वाटर पोटेंशियल। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं वाटर की डायरेक्शन क्या रहेगी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, या लो सॉल्यूट या लो मोलर कंसेंट्रेशन से हाई मोलर कंसेंट्रेशन में। और अगर सॉल्यूट की टर्म में देखें तो यहां पे क्या रहेगा, सपोज यहां पे भी सॉल्यूट के टर्म में देखें तो वो सॉल्यूट की टर्म में भी होगा हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि यहां पे भी क्या रहेगा, यहां पे कम सॉल्यूट डाला तो हाई रहेगा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, एज कंपेयर टू बी में जितना डाला है उसके कंपेरिजन में तो हाई रहेगा। लेकिन सपोज यहां पे एक बीकर सी आता है, बीकर सी क्या है प्योर H2O है, और सी को ए से जोड़े तो क्या होगा, फिर सी से वाटर ए में जाएगा, फिर ये जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सी का हाई रहेगा ए से, और सी का तो सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट है ही नहीं तो उसको जीरो मानेंगे, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी सी का ज्यादा रहेगा ए से, तब वाटर की डायरेक्शन क्या रहेगी, सी से ए में जाएगी। ठीक है, सपोज एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा है सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी हाईएस्ट फॉर, सॉल्यूट पोटेंशियल हाईएस्ट किसके लिए रहेगा, ए है 3 मोलर सुक्रोज, बी है 2 मोलर सुक्रोज, तीन मोलर सुक्रोज है, बी क्या है 2 मोलर सुक्रोज है, 2 मोलर और 3 मोलर। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ बी, जो सॉल्यूट पोटेंशियल ए का है वो क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल बी से ज्यादा है, ए का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, बी के सॉल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा है। अगर ए का सॉल्यूट पोटेंशियल बी के सॉल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा, वाटर पोटेंशियल जो रहेगा उसकी वैल्यू लेस रहेगी एज कंपेयर टू इसमें जो रहेगी उसके कंपेरिजन में। सिमिलरली सॉल्यूट पोटेंशियल भी जो रहेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल भी जो रहेगा वो इसका हाई रहेगा सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए, नहीं सॉल्यूट का पोटेंशियल, सॉल्यूट का पोटेंशियल बी का ज्यादा रहेगा ए से, और जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन रहेगी वो ए में ज्यादा रहेगी बी से। ये भी लिख लेते हैं सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ए ग्रेटर देन सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बी से, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ए की ज्यादा रहेगी किससे, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बी से, तो वाटर की मूवमेंट कहां होगी, बी से वाटर कहां जाएगा, ए में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बी में क्या है वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल बी में ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि जो बी वाला बीकर है उसमें जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है
वो क्या है, कम है। किससे कम है, ए के कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी अपन सी बीकर प्योर वाटर का लगा दें तो उसकी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू, उसकी सबसे कम रहेगी, तो उसका जो रहेगा सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो उससे वाटर सी को ए से कनेक्ट करे तो सी से ए में जाएगा, सी को बी से कनेक्ट करे तो सी से बी में जाएगा वाटर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूट पोटेंशियल को समराइज कर लें, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूट पोटेंशियल को देखें तो सॉल्यूट पोटेंशियल का सिंबल तो अपने को पता ऐसा रहता है, सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट एडेड, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज्ड। सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जब भी सॉल्यूट ऐड करेंगे वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव में रहती है। यूनिट इसकी भी पास्कल रहती है। ये अपन ने देख लिया, अब अपन बढ़ेंगे आगे। अपन आगे बढ़ के सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। हेडिंग डालते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, सपोज मैंने एक बीकर लिया ए, उसको कनेक्ट करा है मैंने बीकर बी से, ए को कनेक्ट करा बी से, ये दोनों ओपन बी करें तो क्या लग रहा है इनके ऊपर, प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर है ये जो अभी लग रहा है इनके ऊपर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये दोनों क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो इन दोनों का क्या रहेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो रहेगा, एज वेल एज क्या रहेगा, वाटर पोटेंशियल भी जीरो रहेगा। जो दोनों बीकर है ये क्या है, सेम लेवल पे है, कनेक्ट करके रखा है अपन इन दोनों को, और दोनों बीकर क्या है, ओपन बीकर है, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ए से बी और बी से कोई मूवमेंट नहीं हो रही पानी की, और ना ए से बी हो रही है ना बी से ए हो रही है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व है मूवमेंट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व इन वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट में जो प्रेशर पोटेंशियल है वो इन्वॉल्व है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, जीरो। तो ये याद रखना है कि जो ओपन बीकर रहता है, और ओपन बीकर में अगर प्योर वाटर है, प्योर H2O, और ओपन बीकर है, ओपन प्योर की वजह से क्या हो जाएगा, इसका वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल क्यों जीरो होगा, क्योंकि बस एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। अब देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो क्यों, वो तो ऑब्वियस बात है क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट नहीं रहता है, सॉल्यूट ना रहता है तो उसकी वजह से उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है तो क्या होता है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी फर्क नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती, तो वाटर पोटेंशियल क्या मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं। इसकी इक्वेशन क्या रहती है, वाटर पोटेंशियल जो रहता है वो बराबर रहता है किसके, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के, ये रहती है इसकी इक्वेशन। ये अपने को याद रखनी है, अपने को आगे काम आएगी। अगर ओपन बीकर, सपोज अपन माने कि ओपन बीकर है और ओपन बीकर के अंदर प्योर वाटर है, तो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल रहेगा जीरो रहेगा, नो सॉल्यूट, ये भी जीरो होगा क्योंकि अगर ये दोनों जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इक्वल जीरो हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल प्योर बीकर का भी जीरो होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो ओपन बीकर का होता है वो किसके बराबर रहता है, वाटर पोटेंशियल के बराबर रहता है। ऐसे कैसे बराबर हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। सपोज ये एक ओपन बीकर है, ध्यान रखना ओपन बीकर होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है।
इसके अंदर क्या है, वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल है, और कुछ मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्यूट के डाले हुए हैं। अगर अपन इक्वेशन देखें तो इक्वेशन के हिसाब से वाटर पोटेंशियल इक्वल सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है। अगर अपन ने सॉल्यूट डाले, सपोज इसमें वैल्यू आ गई -10, अगर -10 वैल्यू आ रही है सॉल्यूट की वजह से और ओपन बीकर है, ओपन बीकर का अपन ने देखा क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो होता है, ये जीरो रहेगा तो जितनी वैल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल की उतनी वैल्यू क्या आ गई, वाटर पोटेंशियल की आ गई। तो इसलिए ये बात याद रखनी है, जो ओपन बीकर होता है उसमें जो सॉल्यूट पोटेंशियल रहता है वो वाटर पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, कैन प्रेशर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सपोज ये अपन ने वापस एक बीकर ए लिया है, उसको कनेक्ट करा है बीकर बी से, दोनों ओपन बीकर हैं, ए ये ए नाम है ये बी नाम है, दोनों में वाटर भरा हुआ है सेम लेवल पे, लेकिन सपोज इस बार इस पे तो बस लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन इस पे अपन ने क्या करा, पिस्टन लगा दिया ऊपर, और फिर अपन क्या कर रहे हैं, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वाटर की मूवमेंट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी वाटर की मूवमेंट पिस्टन के प्रेशर की वजह से। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल तो जीरो रहता है। सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियली ए और बी है, यहां पे क्या वाटर पोटेंशियल तो जीरो है, प्योर वाटर है। आफ्टर पिस्टन अप्लाई करा अपन ने, क्या हो गया, ए से बी में जाने लगा पानी, वाटर पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव और वाटर पोटेंशियल यहां पे क्या है, नेगेटिव है, नहीं वाटर पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव, यहां पे तो जीरो है, नेगेटिव थोड़ी होगा, बस जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे तो बस ओपन बीकर है, ओपन बीकर में इसमें प्योर वाटर है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी जीरो है, प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो है, अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें प्योर वाटर तो है तो सॉल्यूट पोटेंशियल तो जीरो है, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल की प्रेशर पोटेंशियल लगाने की वजह से प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो फाइनली जो रहेगा मूवमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा। प्रेशर पॉजिटिव रहेगा जब अप्लाई करेंगे, जब अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू, क्यों ज्यादा वैल्यू, क्योंकि वो जो है वाटर के मूवमेंट करवा रही है। तो प्रेशर पोटेंशियल के बारे में अपन ने क्या देखा, पॉजिटिव, पिस्टन से अपन क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। व्हेन मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैन बी जीरो व्हेन इट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कब हो सकता है, जब पुल हो रहा हो, पुश में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है, पुल जब होगा तब क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। व्हेन प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब प्रेशर क्या है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब क्या होगा, पुल हो रहा होगा, और अगर पुल हो रहा होगा तो क्या आएगी, वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव प्रेशर कैसे आ जाता है, नेगेटिव प्रेशर आता है पुल करने से, पुल करने से क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। जैसे सपोज वापस बीकर बनाए, ये दोनों जो बीकर है दोनों को वापस कनेक्ट करा, ए है और बी है, दोनों में सेम लेवल वाटर है। इस बार अपन ने यहाँ पे वापस पिस्टन लगाया है, लेकिन इस बार अपन ने क्या करा, पिस्टन से खींचा, ये पूरा एयर टाइट है, अगर खींचेंगे तो क्या होगा, वाटर ऐसे चल जाने लगेगा, तो वाटर की मूवमेंट क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी ए टू बी हो जाएगी। मैथमेटिकली देखें तो अपने को पता है कि वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन होती है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये होती है क्या इक्वेशन होती है वाटर पोटेंशियल की। दोनों में क्या है, प्योर वाटर है दोनों,
तो सेल्युलर पोटेंशियल तो दोनों में जीरो हो जाएगा। तो अभी इस केस में क्या है, वाटर पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है काय के ऊपर, प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर। जो ए वाला है उसमें अपन ने क्या करा, पुल करा, पुल करने से क्या करा अपन ने प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या करी, नेगेटिव कर दी। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये तो जीरो ही है, और जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो वाटर कहाँ जाने लगेगा, बी टू ए जाने लगेगा, कहाँ जाने लगेगा, बी टू ए। ये गलत कर दिया, वाटर कहाँ जाने लगेगा, बी से ए में जाने लगेगा, ठीक है। अब अपन क्या देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, अपन ने आज क्या पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साई, साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जो वाटर पोटेंशियल है सोल्यूशन का ओपन बीकर, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं ना इसलिए नेगेटिव होगा। सोल्यूशन मतलब उसमें वाटर में जो अपन ने कुछ सोल्यूट तो ऐड करा है इन ओपन बीकर, ओपन बीकर है मतलब बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बस लग रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू तो वैसे जीरो हो जाएगी, इक्वल नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल जो सॉल्यूशन का होगा वो नेगेटिव होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जीरो, यूनिट क्या होती है, पास्कल, सिंबल क्या होता है, साई होता है, त्रिशूल टाइप। जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, बेसिकली होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल, ये क्या हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू हाइपोथेटिकली क्या मानते हैं, जीरो। जीरो कब होती है, जब कोई सॉल्यूट ही नहीं होता। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉल्यूट पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। एटम प्रेशर ओनली, ये जो जीरो होता है ये कब होता है, जीरो होता है व्हेन नो, जीरो कब होता है, व्हेन नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट। जब कोई सॉल्यूट नहीं होगा तब वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब कोई सॉल्यूट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपन ऐसे मानते हैं। तीसरा क्या रहता है, प्रेशर पोटेंशियल, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। पॉजिटिव मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब सपोज अपन पिस्टन से लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पिस्टन से अपन पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर तब होता है पॉजिटिव। जीरो व्हेन ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर, नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो सकता है, जब हम पुल कर रहे हैं, पुल में क्या होता है, नेगेटिव, लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, पुल मतलब लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कुछ केसेस के बारे में देख लेते हैं, सपोज वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो। वाटर पोटेंशियल जीरो है मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो है, प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, नो सॉल्यूट नो प्रेशर। वाटर पोटेंशियल जो है पांच है ओपन बीकर, क्या है, पांच है ओपन बीकर में, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल तो दे दिया पांच है, सॉल्यूट पोटेंशियल तो नहीं होगा, जीरो होगा, और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। या सपोज मान लो प्रेशर पोटेंशियल 10 है और सॉल्यूट पोटेंशियल -5 है,
ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन यही मानेंगे सोल्यूट है नहीं, तो सोल्यूट की वैल्यू जीरो, सिर्फ प्रेशर की वजह से आ रहा है ओपन बीकर में वो। वाटर पोटेंशियल इक्वल जीरो, सोल्यूट पोटेंशियल माइनस फाइव, ये वैसे ही केस हो गया। सोल्यूट तो है यानी सोल्यूट पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यू जो जीरो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू की वजह से आ रही है। मतलब अपन ने पिस्टन में कितना वैल्यू लगा दिया, पांच की वैल्यू लगा दी, तभी तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल माइनस फाइव प्लस फाइव, तभी तो जीरो आएगा फाइनल आंसर। चौथा केस, प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या है, टेन है उसकी वैल्यू, वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस फाइव है। प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या है, दस है। फाइनली जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस फाइव है। सोल्यूट पोटेंशियल की क्या होगी, ऑब्वियसली अगर अपन कैलकुलेशन करके देख सकते हैं वो कितनी आएगी, माइनस पंद्रह बराबर आएगी। कैसे, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल है 10, वाटर पोटेंशियल है माइनस पांच, सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, प्रेशर पोटेंशियल 10 दिया हुआ है, 10 को इधर भेजेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, फाइनली माइनस 15 आ जाएगा। तो अपन ऐसे क्वेश्चन अब बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतने, मिलेंगे अगले लेक्चर में।